हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे मंडे को मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। छोटा सा वीडियो रखने का ट्राई करेंगे। एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 9000 सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड होपफुली ये वीडियो अगले 3 दिन में जितने भी लोग देखेंगे, हमारे पास फ्राइडे है, सैटरडे, संडे है, जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वी ओनली नीड 80 सब्सक्राइबर्स। तो 80 सब्सक्राइबर्स आई होप हम लोग अगले 3 दिन में ले जाएं और हम लोग हमारा 9000 का जो सब्सक्राइबर टारगेट है उसको हम लोग हिट करते। तो होपफुली आप सारे लोग सब्सक्राइब करोगे, और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ जाकर लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो, अच्छी अच्छाई बुराई जो भी आपको लगता है वो आप लिखो, ताकि YouTube हमारे वीडियो को एल्गोरिदम से, मतलब हमारी वीडियो एल्गोरिदम कैच कर ले और थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ जाए। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ट्विटर की अपडेट्स के साथ। मैंने आपको ट्विटर पर आज जो अपडेट्स डाली है, अगर आप लोग इन अपडेट्स पे पैसा नहीं कमा पाए तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली देखो, जब यहाँ पे 43,680 था, मैंने लिखा बैंक निफ्टी 43,500 मतलब जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल टूटा। लेवल टूटा तो अगला लेवल कौन सा था? 43,500। तो मैंने 43,500 लिखा। निफ्टी ने जब यहाँ पे 540 530 का लेवल था, 522 पर था ये, तब जब इसने तोड़ा, हमने क्या लिखा? निफ्टी 18,440, मतलब कि जाएगा तो जाएगा। और दोनों के दोनों वहां से जो गिरे हैं, हम लोगों ने वो पुट आई थिंक प्रीमियम के अंदर भी कैच की थी, 40-45% का प्रॉफिट हुआ उसके अंदर। आप लोगों को फ्री चैनल में भी वो पुट मैंने डाली, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कहां से बाउंस आएगा। ऑल्दो यहां पर जो मैंने आपको ये अपडेट डाला था, इससे आई थिंक और 100 पॉइंट नीचे गया, बट टुवर्ड्स द एंड हमारा जो बैंक निफ्टी है 43,700 को टेस्ट कर गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने आज 43,700 को कैच किया, और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी, जिसके बारे में मैंने मिड मार्केट अपडेट वीडियो में भी बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मेन सपोर्ट्स है वो टूट चुके हैं, बट देखो रेड में लिखा हुआ है, बट द गुड थिंग इज कि निफ्टी जो है वो रिकवर करने का ट्राई कर रही है, उसको फाइट बैक कर रही है, और जब उसने वापस रिकवर कर लिया, वहां से हमको फिर शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। तो ये सारे जो अपडेट्स है आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पर इससे भी बेटर अपडेट्स है, वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो मैं आई थिंक अगर यहां पर एक अपडेट डालता हूं तो वहां 5 अपडेट्स मिलते हैं आपको, तो उनको डिस्कस नहीं कर सकते। तो नीचे ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है, जाओ जाकर ज्वाइन करो। अगर अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो आप आराम से उसके अंदर ग्रुप के अंदर स्टे कर सकते हो, अगर नहीं अच्छे लगते तो कोई बात नहीं। इसके बाद ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखें, तो ऑप्शन चेन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी आज, वो था पीसीआर रेशो। और हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी का पीसीआर रेशो इतना ज्यादा लो हो गया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आई थिंक 0.38-0.39 के आसपास था। अभी भी ये जो पीसीआर रेशो है, दिस इज अराउंड 0.5, मतलब कि निफ्टी जो है यहाँ से और फर्दर ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। 18600 भी इतनी बड़ी राइटिंग हो गई, नाउ जस्ट इमेजिन जैसे 18600 हल्का सा भी रिस्क में आएगा, ये क्या तोड़कर भागेगा, ये आपको पता नहीं लगेगा। इतना ज्यादा बड़ा लेवल बन चुका है 18600 का। 18490 पे आज क्लोजिंग हुई है, तो 18500 पर भी ठीक ठाक राइटिंग है, बट इतनी बड़ी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करनी हो। जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको शॉर्ट कवरिंग आती देखने को मिली थी, वहां पे 18400 के कॉन्ट्रैक्ट्स कटने लग गए थे। तो ये था इसका अपडेट। इसके बाद बैंक निफ्टी की अगर आप लोग बात करो, तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.21 के आसपास था, एंड अभी करेंटली ये 1 से नीचे चल रहा है। तो इसके अंदर भी कैपेसिटी जो है यहां से भागने की वो बहुत अच्छी है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग CNX IT की। IT जो आज यहाँ से टूटा, ये भी अपडेट मैंने आपको सुबह ट्विटर पर डाला था, जब ये 800 पर था और 800 से टूटता इसने लो बनाया है 29,038 का, मतलब वहां से 750 पॉइंट्स टूटा है। IT सेक्टर आज -3% में क्लोज हुआ है, और ये हम लोगों ने सुबह ही पकड़ ली थी बात, तभी हम लोग निफ्टी में बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल रहे थे सुबह से ही, क्योंकि दिख रहा था कि बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी स्टिल नीचे जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? रीजन था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के आज शेयर्स बहुत ज्यादा टूटे हैं, एंड वॉट एवर मे बी द रीजन, बट मेरे को लगता है कि आईटी जो है आइदर यहां से सपोर्ट लेना चाहिए, अगर यहां से सपोर्ट नहीं लिया तो फिर एक और बड़ा मूव हम लोग को आईटी में देखने को मिलेगा। बट आई थिंक ये जो है ये बॉटम लग गया, आईटी की ये जो डाउनफॉल थी, क्रैश जो थी इसका, आईटी के अंदर जो है बॉटम मेरे अकॉर्डिंग लग चुका है। इसके बाद गाइस मेन अपने चार्ट पर आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करते हैं। बैंक निफ्टी कहां तक आया लास्ट ईएमए 99 को 15 मिनट के चार्ट पे,
रिटेस्ट किया 30 मिनट के चार्ट पे, ईएमए 55 से बाउंस लिया और टुवर्ड्स द एंड हमारी एक डाइगनल ट्रेंड लाइन बन रही थी, उस डाइगनल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते करते बचा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बुलिश है, 43,700 इज द क्लियर लेवल जिसके ऊपर मैं बुलिश वापस से हो जाऊंगा और इसके ऊपर मैं लॉन्ग करने का ट्राई करूंगा। अगर मेरे को वापस से ये डिप मिला 43,500 वाला या 43,340 वाला, ये दोनों के दोनों लेवल्स मैंने आप लोगों को मिड मार्केट अपडेट वीडियो में बताए हैं। 43,340 का लेवल ये मेरे को अगर वापस से मिले तो फॉर श्योर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि वो डिप जो है उसको बाई किया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी का देखो अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बट बैंक निफ्टी के अंदर जो व्यू है वो डेफिनेट अभी भी यही बना हुआ है कि बाय ऑन डिप्स ही चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिप आज देखने को मिला और वहीं से आपको इंस्टेंट 350 पॉइंट्स की रिकवरी भी देखने के लिए मिल गई विद इन वन आवर। तो ये बाय ऑन डिप्स जब मार्केट होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको कभी भी ऐसे बाउंसेस देखने को मिल जाते हैं कि आप लोगों के होश उड़ते हैं। इसके बाद 18,440 का जो लेवल था, ये लेवल इसके नीचे देखो कहां तक गया, बट इस लेवल को तोड़ा नहीं, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होने दिए, यहां से रिकवरी बनती और आई थिंक यहां से 70-80 पॉइंट से वापस ऊपर गया। अभी जहां पर क्लोजिंग हुई है बहुत डाइसी सा जोन है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को अगर 18,510 का लेवल टूटेगा तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होऊंगा, बट यहां पर ना मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा ना मैं लॉन्ग करना प्रेफर करूंगा। अगर ये नीचे जाएगा तो आई विल जस्ट वॉच, अगर 18,510 टूटेगा तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो निफ्टी से आई विल बी स्टेइंग अवे फॉर नाउ। मैं आप लोगों को भी बोलूंगा थोड़ा सा अभी दूर रहो जब तक इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि आईटी जो है वो कितना भी और गिर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर हल्का सा स्टेगनेंट हो जाए और आईटी गिरने लग जाए तो निफ्टी उसके साथ साथ नीचे चलने लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे सबसे बड़े जो स्टॉक्स हैं टॉप फाइव में इंफोसिस और टीसीएस आते हैं। अगर आप लोगों ने चेक किया होगा वेटेज इंडेक्स, आई थिंक टॉप एट में तो आते ही आते हैं। तीन बैंक्स हैं, दो आईटी के स्टॉक, एक रिलायंस है, एक भारतीय एयरटेल है मार्केट कैप के वाइज, और आई थिंक एक शेयर कोई मैं भूल रहा हूँ। तो आईटी सेक्टर इज प्रिटी इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी अगर आईटी सेक्टर हमारा गिर रहा है तो निफ्टी से हम लोग को थोड़ा सा हटना है। अगर हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे कंफर्म है तो हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सो दैट्स वीडियो मच इट फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।